अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सारे? ठीक है। आज की प्रेजेंटेशन का पता है थोड़ा सा, टॉपिक का नेम क्या है? ये वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उसमें सबसे पहले है कि एलएलसी की फॉर्मेशन जो हम करवाते हैं उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा ना इसके बारे में इशू आ रहा है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता एक्चुअली कि जो एजेंट है जिससे हम काम करवा रहे हैं उससे हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, उनको हमने वेरीफाई कैसे करना है और हमें कैसे पता लगेगा कि वाकई हमारी एलएलसी बन गई है या नहीं बनी। ठीक है। सेकेंडली ये कि जब एलएलसी फॉर्म हो जाती है उसके बाद जब हम अपना अमेज़न का अकाउंट साइनअप करते हैं तो वो किस तरीके से करना है। ठीक है। उस पर लिस्टिंग किस टाइम पे करनी है, कब करनी है, नहीं करनी, कौन सी वेरिफिकेशन होने के बाद हमने वर्क लॉन्चेस करनी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ये कि जो आपका एलएलसी है या अमेजोन सेलर सेंटर है जब वो आप मतलब रनिंग में आ जाता है, ठीक है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं। ठीक है। हमने क्या चीज़ उस पर कर सकते हैं, कहाँ पर बैठ के हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलएलसी फॉर्मेशन के, एलएलसी जब हम बनाते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। आपको चार डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सेकंड वन इज़ EIN या SS4 फॉर्म भी इसको कहते हैं। थर्ड वन हमारे पास होता है रीसेल सर्टिफिकेट, और फोर्थ वन हमारे पास होता है सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है। अब ये चार नाम मुश्किल तो नहीं है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की ना लर्निंग हो जाए, बजाय कि आपके ऊपर से गुजरे आप लोगों को बाद में पता हो कि कोई पूछे भी आपसे कि एलएलसी का डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं तो आपको पता हो। ठीक है। अच्छा, अब एक कंपनी है उसके लिए हमें चार डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब इसके लिए जब हम एलएलसी बनने देते हैं उसमें हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो हमने एजेंट को देनी होती हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ पासपोर्ट या CNIC। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारा एजेंट जो है उसको नेम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। उसमें उसने हमारा नेम, हमारी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स, वो उसने हमारे पासपोर्ट से या CNIC से लेनी होती हैं। सेकंड वन इज़ हमारी एक ईमेल। ठीक है। और कंपनी बनाने से पहले कोशिश करें कि एक न्यू जीमेल बना लें, मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स का काम है। उससे ये होता है कि एक नई जीमेल होगी उस पर सारा आपका कंपनी के रिलेटेड ही काम होगा, बजाय आप अपनी ओल्ड पर्सनल जीमेल यूज़ करें जो आपकी फेसबुक पर भी है, स्नैपचैट पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है। ठीक है। तो उससे बहुत सारे इशूज़ ओवरकम हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ आपका फ़ोन नंबर। ठीक है। ये वो नंबर होता है जो हम बाय करते हैं वर्चुअली। ठीक है। या पाकिस्तानी नंबर भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि हम आपको पता है कि अगर हम US में काम कर रहे हैं, UK में काम कर रहे हैं, हमें वहाँ का नंबर बाय करना ही करना पड़ता है। ठीक है। तो इन दोनों नंबर में से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। फोर्थ वन इज़ इंडिविजुअल एड्रेस। ठीक है। अब ये हम यूजुअली हमारे से एजेंट नहीं पूछता, उसकी रीज़न क्या है वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो कहता है कि मैं बाय कर लूँगा, लेकिन जस्ट आपको ये कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजेंट डुप्लीकेट एड्रेस तो नहीं यूज़ कर रहा, या जिससे आप LLC बनवा रहे हैं वो वाकई इंडिविजुअल एड्रेस यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि हमारा लास्ट एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, UK में मेरा एक दोस्त था, हमने LTD बनाई प्राइवेट लेबल के लिए, तो वहाँ पर मेरे दिन में आया, मैं कह $150 का है, $150 एड्रेस के देने हैं साल के, दोस्त बैठा उसके फ्लैट का एड्रेस यूज़ कर लेते हैं, उसने मुझे एड्रेस दे दिया, मैंने अपलोड कर दिया, LTD बन गया, सारा कुछ हो गया। अब अमेज़न का अकाउंट साइनअप होने के बाद बंद हो गया। रीज़न क्या थी, उस एड्रेस पे ऑलरेडी एक अकाउंट पहले बंद हो चुका हुआ था, जो उससे पहले जो रेंट पे रहता था वो वाले बंदा जो था ना उस पर ऑलरेडी था। इस वजह से आपका जो एड्रेस है बहुत ही इंडिविजुअल होना चाहिए, ऐसा एड्रेस जो किसी से ना यूज़ किया हो। आपके पास फिज़िकल एड्रेस है भी तो हमें नहीं पता कि वो पहले यूज़ हो चुका है या नहीं हो चुका है, ऐसे ही है ना। तो कोशिश करेंगे एजेंट से कहें कि आप नया एड्रेस इंडिविजुअल बाय कर लें और उसी पे आप प्रोसीड करें LLC को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। फर्स्ट इज़ आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन एक है सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन, आगे लिखा हुआ है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और से सुनना, अंदर क्वेश्चन पूछ लेना ऐसे ही।
मैंने क्या बताया, ठीक है। देना मैम, हाँ उसको नोट डाउन कर लें, लास्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बता दूँगा। मैम इनको ठीक है मैम, अच्छा फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके ऊपर पेज के ऊपर सबसे पहले हमारे पास आया था सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन, नीचे लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। अब एलएलसी का तो सबको पता है, तो एलएलसी की फुल फॉर्म है कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एलएलसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारा 2 पेज का डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इसमें 4 आर्टिकल्स लिखे होते हैं। आर्टिकल नंबर 1 जो होता है उसमें क्या लिखा होता है, हमारा कंपनी का नेम लिखा होता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ABC LLC मेरी कंपनी का नेम है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना आर्टिकल 1, उसमें लिखा है एंटिटी नेम एंड टाइप, इसके अंदर हमारा कंपनी का नेम होगा। जब भी आपके पास LLC का डॉक्यूमेंट ये वाला आएगा तो सबसे पहले आपका आर्टिकल 1 के अंदर कंपनी का नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है रजिस्टर्ड एजेंट एंड ऑफिस एड्रेस, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 2 के अंदर हमारे पास रजिस्टर्ड एजेंट, जिस एजेंट से हम लोग बनवा रहे हैं उसका भी एड्रेस होता है। यूजली अगर आप गौर करेंगे ना कभी ये डॉक्यूमेंट पे, तो उसके ऊपर 2 एड्रेसेज लिखे होते हैं और यूजली उसमें सिर्फ सूट नंबर का डिफरेंस होता है और बाकी कोई सेम सारा का सारा एड्रेस सेम होता है, क्योंकि जो एक हमारे एजेंट्स होते हैं उन्होंने एक आधी बिल्डिंग ली होती है रेंट पे इसी काम के लिए, और उसी के वो डिफरेंट फ्लैट नंबर या इस तरह करके हमें डिवाइड करके दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एड्रेसेज होंगे। अब बहुत सारे यूजली मिस्टेक हो जाती है कि जब हम अपनी ईमेल पे डिटेल लिखते हैं ना अपने एड्रेस की, हम अपने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस पेस्ट कर रहे होते हैं बजाय अपना एड्रेस पेस्ट करने के, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ सूट नंबर का डिफरेंस होता है, तो इस पर आप लोगों ने गौर करना है। थर्ड वन आर्टिकल 3 जो है वो गवर्निंग अथॉरिटी है, इसमें आके अब आपका नेम होगा, वेदर आप अपने नाम पे बना रहे हो या आपके पापा के नाम की LLC है, भाई के नाम की है, तो जिस पर्सन के नाम पे बनी हुई है ना वो गवर्निंग अथॉरिटी आर्टिकल नंबर 3 के अंदर लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 4 है, ये नेक्स्ट पेज पे चल जाता है और इस पर सिर्फ पर्पस लिखा होता है कि ये कंपनी बनाई गई है फॉर रिटेल बिजनेस, एक आधी लाइन का ना। तो अब आपको पहला डॉक्यूमेंट समझ आ गया, इसके रिलेटेड किसी कोई कन्फ्यूजन या कुछ छोटा सा क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 2 के अंदर 2 एड्रेसेज लिखे होते हैं, ठीक है। एक एड्रेस होगा, लेट्स सपोज मैं आपका एजेंट हूँ, मैं कहता हूँ हाउस नंबर 1 और मेरी बिल्डिंग नंबर 2 है, हाउस नंबर 1 बिल्डिंग नंबर 2 आगे फ्लान स्ट्रीट है और सारा कुछ है आपका, मैं क्या करूँगा आपका हाउस नंबर 2 होगा। अब जो मेरा एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है और जो आपका एड्रेस है वो भी एग्जैक्टली सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश ये करनी कि जब आप ईमेल पे अपना एड्रेस ऐड करते हो ना ईमेल के नीचे काइंड रिगार्ड्स के बाद नेम फ़ोन नंबर एड्रेस, एड्रेस के अंदर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो यहाँ पे ना रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस पेस्ट कर रहे होते हैं जो कि उसके सूट नंबर का एड्रेस होता है, हमारा नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने गौर करना है जी। जी नहीं नहीं ये एजेंट ने सारा कुछ कंप्लीट करना होता है, सिर्फ ये अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। इसमें उन्होंने ना कॉर्पोरेशन की टाइप होती है, LLC है ना, अब LLC की डिफरेंट होती है, सी टाइप होती है, एस टाइप होती है, तो उसमें जो हमारी यूजली अमेजोन रिलेटेड होती है ना वो सारी एस टाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नेम लिखा होगा और साथ में एस टाइप उसने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड डॉक्यूमेंट था EIN का। अब EIN की फुल फॉर्म क्या है, इट्स एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब हम लोगों की कंपनी रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे हम लोग क्या हम एम्प्लॉयर है ना, ठीक है, हम लोग इन लोगों को वहाँ पे हायर करना है उनके अकॉर्डिंगली। अब उन्हें नहीं पता कि बैकग्राउंड में हम लोग खुद काम कर रहे हैं या हमने बंदे हायर किए हुए, जो भी है, ठीक है। तो ये एक EIN नंबर होता है, जो भी कोई कंपनी बनाता है उसके लिए ना एक EIN नंबर उसे मिलता है और ये आपका पर्सनल नंबर होता है, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट पर आप लोग गौर करें तो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर IRS लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज हैं, ये एक डिपार्टमेंट है टैक्स का जो कि हमें नंबर इशू करता है, ठीक है। और ये उसके ऑपोजिट साइड पे राइट साइड पे लिखा होगा डेट ऑफ नोटिस, जिस दिन हमें नोटिस किया गया ये, और उसके नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से काम करते हैं तो हमारे पास EIN नंबर हमारा मांगते हैं, ठीक है, उसमें हमने ये वाला नंबर देना है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये हमें चाहिए होता है, ठीक है। उसके टैक्स आईडी ये कह सकते हैं,
इसी को कहते हैं, सेम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा, सबसे पहले इसके आप लोग ये देखें तो ये यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम होगा, ठीक है, और साथ में आपका एड्रेस लिखा हुआ होगा। अब यूजुअली एजेंट्स क्या करते हैं, एजेंट्स का ये इशू आता है, एक केस स्टडी आई थी हमारे पास, उसमें इशू क्या था, EIN फेक था। उसने क्या किया, ये जो कॉर्नर है खाली ये वाला जो है, उसने इसको वाइट किया, उसके ऊपर ओवर टाइप किया और बच्चे को भेज दिया, ठीक है। अब बच्चा काम कर रहा है कि भाई मेरा तो बिजनेस चल रहा है, या मेरा तो अमेजोन का अकाउंट बन गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो अब पता कब लगा, पता तब लगा जब अमेजोन का अकाउंट बंद हुआ, डीएक्टिवेशन हुई। अब उसमें उन्होंने EIN नंबर मांगना था। अब EIN नंबर जब वो पेस्ट किया गया तो वो ऑलरेडी किसी और का भी होगा, ठीक है। अब अमेजोन के अकाउंट्स हैं डिफरेंट हैं और एक ही EIN पेस्ट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे जाके फिर आपके अमेजोन का अकाउंट का मसला आता है, ठीक है। तो बार बार बताने का मकसद ये कि एक तो बंदा आपका ऑथेंटिक हो जिसको आप बाद में आंसर कर सकते हो, या आंसरेबल हो वो आपके लिए कि हाँ जी भाई मैंने कंपनी बनाई थी तो ये सारी वजह थी, ये यहाँ पे मिस्टेक आ रही हो गई, हाँ जी मैं सही करके दे देता हूँ। रीज़न क्या है, अब उस केस के अंदर हम लोगों ने कोशिश की कि जो IRS का डिपार्टमेंट है ना उसको कॉल कर लें। अब उसको हम कॉल करते थे, हम अपना EIN बताते थे, वो कहता था ठीक है आपका EIN नंबर सही है, अब आप वेरीफाई करो कि आपका नेम क्या है और एड्रेस क्या है। हम नेम अपना बताते थे, एड्रेस भी अपना बताते थे, वो कहता था नहीं मैंने वेरीफाई नहीं करना। रीज़न क्या है, उसके पास ना वो नेम है ना वो एड्रेस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इस पर आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना। उसके अलावा अब मैंने शुरू में लिखा था EIN या /SS4 फॉर्म, ठीक है। अब समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो ये कहता है कि अपना EIN नंबर दे दें, समटाइम्स वो कहता है SS4 फॉर्म अपना सेंड कर दें, ठीक है। तो SS4 फॉर्म का भी यही मतलब है, आपने यही वाला डॉक्यूमेंट जो है उनको सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट आया था रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। अब जो रीसेल सर्टिफिकेट होता है ये हमारे स्टेट की तरफ से इशू होता है, वेदर हमारी टैक्सेस में अगर LLC है तो हमें टैक्सेस की जो स्टेट है वो इशू करेगी, अगर हमारे पास फ्लोरिडा के अंदर है, फ्लोरिडा की, वायोमिंग है, मोंटाना है, मिशिगन है, जो भी है, तो हमें ये स्टेट की तरफ से इशू डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हमें क्या अलाउ करता है, ये डॉक्यूमेंट हमें ये अलाउ करता है कि हम जो सामान है ना, अब कंपनी तो हमने बना ली, ठीक है, अब कंपनी हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, किस चीज़ के लिए है, हम जो उसमें कंपनी में सामान बाय कर रहे हैं आइदर हम रीसेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो हमें डॉक्यूमेंट की ऑथराइजेशन, ये वाला डॉक्यूमेंट हमें उस चीज़ को ऑथराइज करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ये थोड़ा सा ब्लर फोटो है, ये आप देखें, ये लिखा हुआ है रीसेल सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे ये रीसेल सर्टिफिकेट नंबर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अगर मांगे कि हमें रीसेल सर्टिफिकेट नंबर दें तो आपने इस डॉक्यूमेंट से देना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास आपको शुरू में जैसे फ्लोरिडा का है, अभी तो थोड़ा सा ब्लर है, तो ऊपर फ्लोरिडा की स्टेट लिखा हुआ है, नीचे रीसेल सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम फॉर टैक्सेस जो भी है उसके अंदर आपने रीसेल सर्टिफिकेट नंबर आपकी ज़रूरत है, आपने वही पिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट था आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है ना उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग या फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर सिंपल ये लिखा होता है कि ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना उसकी तरफ से इशूड है कि ये जो LLC है ये कंप्लीट हो गई हुई है और ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो एजेंट जब भी आप लोगों को LLC देगा वो आपको चार डॉक्यूमेंट्स देगा, वो कौन कौन से थे, पहला आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन EIN, थर्ड वन रीसेल सर्टिफिकेट, और फोर्थ वन सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग या फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ही थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये चार डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है। अब ये चार डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं या कोई एक आधा मिस भी हो रही है तो ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। चार के चार डॉक्यूमेंट्स इक्वली ज़रूरी हैं। उसकी रीज़न क्या है, अगर आपके पास EIN नहीं है तो आप बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास रीसेल नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको सामान नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास EIN भी हो गया, रीसेल भी, और आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो कंपनी बनाने के लिए ज़रूरी है ना, अगर वो नहीं होगा तो मतलब आपकी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीन डॉक्यूमेंट्स हैं या चार डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट भी आप साथ अटैच कर लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी मिस होता है तो आप काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके चार के चार डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद अब हमने सुना होगा टैक्स रिटर्न भी जमा करवाते हैं और सारा कुछ है, ठीक है। तो उसमें हमारा ये जो फर्स्ट है ना ये ईयरली है, इसकी सबमिशन ईयर के बाद होती है क्योंकि 1 ईयर के लिए वैलिड होता है हमारी LLC जो भी हम बनाते हैं ना वो हमारी 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, आफ्टर 1 ईयर हमें उसको रीन्यू करवाना होता है, ठीक है। जो EIN है ये भी हमारा फॉर 1 ईयर होता है, ये भी हमने 1 ईयर है, और ये जो है ना हमारा रीसेल सर्टिफिकेट ये हम क्वार्टरली करवाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना क्वार्टरली टैक्स पे होना है, आजकल भी होना है जिनकी LLCs हैं, 20th जुलाई लास्ट डेट है,
तो उससे पहले पहले अपना टैक्स रिटर्न जमा करवा लें सारे, ठीक है। अब ये जो है ये क्वार्टरली है, इसमें हमने क्वार्टरली रिटर्न हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास चार डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से दो की रिटर्न कब जमा होनी है? ईयरली, ठीक है। जो एक डॉक्यूमेंट है उसकी कब होनी है? क्वार्टरली। क्वार्टरली मीन्स एवरी 3 मंथ्स, ठीक है। मार्च में होगी, मार्च में 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, अप्रैल में होती है, जून में अगले 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, जुलाई में, अब जैसे 20 जुलाई में बता रहा हूँ लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं सबमिट करवाते हैं देन आपको फाइन सबमिट वहाँ पे फाइन होता रहता है और वो कलेक्ट होता रहता है। ये भी एक केस स्टडी थी, यहीं के स्टूडेंट की थी, उसकी 1.5 साल से LLC थी और उसने कभी ये सबमिट ही नहीं करवाया था। अब वो बाद में जब उसे पता लगा कि अच्छा टैक्स भी सबमिट करवाना होता है, तब तक हमने कैलकुलेशन की तो इट वाज अराउंड 1250 आई थिंक डॉलर्स। अब एक पुरानी LLC उसको चलाने के लिए $1,250 देना उसकी बजाय नई LLC बना ली जाए तो ज़्यादा बेहतर। तो उसको फिर सजेशन दिया था कि आप ना नई LLC बना लो। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जो भी LLC बनाएं उस पर गौर करना है, या इधर आप लोग अगर सर्विसेज भी दे रहे हैं तो जब आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, कि या आप उसको सिर्फ एक टेक्स्ट ड्रॉप करेंगे कि सर आपने जिस एजेंट से बनवाई थी उससे काइंडली अपना रीसेल सर्टिफिकेट की जो सबमिशन है ना वो करवा लीजिएगा, लास्ट डेट है, तो क्या वो आपका रिकार्ड नहीं करेगा? लाजमी बात करेगा, वो कहेगा कि अदर देन अमेजोन ये हमें और भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इसको नॉलेज वाकई है। क्योंकि बहुत से लोगों का कंसेप्ट है कि अगर हमारा अमेजोन का काम है तो भाई बस ठीक है, LLC है, डॉक्यूमेंट्स आ गए, कभी खोल के भी नहीं देखते, सिर्फ नंबर एक एक दफ़ा कॉपी किया और ख़त्म हो गया। उसकी रीज़न यही कि भाई हमने अमेजोन पे काम करना है, हमने कौन सा अगर, लेकिन अगर आप टैक्स रिटर्न ही नहीं जमा करवाते हैं तो देन आप अमेजोन कैसे चलाओगे? जब अमेजोन आपसे वेरिफिकेशन करेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, तो देन वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा अमेजोन अकाउंट फॉर्मेशन। अब बल्कि ऐसा करते हैं, LLC के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें किसी का भी। यार ये कंपनी के ओनर का होता है, ठीक है, ओनर का होता है, आपको एक बिजनेस मेंबर होता है, कंपनी भी उसी के, जब वो यही है ना, जब वो कोई भी बंदा सर्च करेगा ना तो वहाँ पे आपका नेम भी आएगा, कंपनी का नेम भी आएगा, ठीक है। जैसे आप हमाद हो ना, आपके पास एक EIN नंबर आप मुझे देते हो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं जब उसको सर्च आउट करूँगा तो आपका नेम भी वहाँ पर आएगा कि ऑनर ये है, कंपनी का नेम ये है, इसका एड्रेस ये है, ये 3 चीज़ें इससे शो होती हैं। और ये अंडर IRS रजिस्टर्ड है, मतलब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है। आपने जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिन्यू करवाना होते हैं, मकसद उसका यही होता है कि हम लोग दोबारा से पे करके उसको रिन्यू करवा रहे हैं, ठीक है। और जो रीसेल सर्टिफिकेट है ना उसमें हम लोग टैक्स रिटर्न दे रहे होते हैं, ठीक है। और किसी का? जी 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 ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर, ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर होगा जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ब्रिक्स एंड मोटर स्टोर एक्चुअली अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें ना, फिजिकल स्टोर, ठीक है। अब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमारा कोई वहाँ पे फिजिकल स्टोर है नहीं है, तो उनकी डिमांड ये होती है कि हमने ऑनलाइन सेलर से काम नहीं करना। इन शॉर्ट अगर इस पर डिस्कशन की जाए ना तो सिंपल सी इतनी सी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन रिटेलर से काम नहीं करना, अगर आपका फिजिकल स्टोर है तो आप हमारे से सामान ले सकते हैं। नहीं, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन है लेकिन हमारा फिजिकल स्टोर तो नहीं ना है। अब देखिए, मैं अगर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना के बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे पास ऑफिस ही नहीं है, मैं उसे घर से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास कंपनी तो है, डजेंट मैटर, ठीक है, मतलब कंपनी तो मेरे पास है ही है लेकिन मेरे पास फिजिकल स्टोर नहीं है। मैं आपको उसका एड्रेस एक होगा मेरा जो कि वर्चुअल होगा, जिसमें हम मेल भेज सकते हैं या कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई विजिटर तो नहीं ना आ सकता उस एड्रेस पर। तो ये चीज़ है, फिजिकल स्टोर मीन्स प्रॉपर फिजिकल स्टोर, ठीक है, वो नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन LLC के रिलेटेड? क्लियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था अमेजोन अकाउंट फॉर्मेशन, ठीक है। अब हमारे LLC के चार डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए, एजेंट ने हमें दे दिए, एजेंट ने कहा कि अब आप अमेजोन का अकाउंट साइनअप, कुछ एजेंट्स हैं वो कहते हैं हम करके देते हैं, कुछ हैं वो कहते हैं हमने नहीं करके देना, आपको LLC बना के देनी थी, वो हमने दे दी, अब आप खुद उसको साइनअप कर लें, ठीक है। तो अमेजोन अकाउंट जब भी हम फॉर्म करते हैं या साइनअप करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह के साइनअप्स होते हैं, ठीक है, एक होता है इंडिविजुअल साइनअप और एक होता है प्रोफेशनल साइनअप, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि इंडिविजुअल साइनअप अभी होता है या कुछ बच्चे हैं वो नेम की जगह कंपनी का नेम स्टार्टिंग में ही देके उसको अपनी तरफ से प्रोफेशनल साइनअप करते हैं,
लेकिन वो अमेजोन का अकाउंट साइन अप प्रोफेशनल नहीं होता, क्योंकि उसमें जब तक टैक्स सेटिंग्स नहीं ऐड होगी वो प्रोफेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है और साइनअप कैसे होता है। ठीक है, अब अगर हम मेरे पास LLC आ गई है, ठीक है, सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं अमेजोन सेलर सेंट्रल पर जाऊँगा, वहाँ पे मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो मेरे से मांगेगा कि आपकी ईमेल दे दें और आपका एक फ़ोन नंबर दे दें। ठीक है, और साथ में क्या मांगेगा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, मैं वहाँ पे अपनी जीमेल दूंगा, अपना फ़ोन नंबर दूंगा, मैं एंटर करूंगा, वो दोनों पे OTP भेजेगा, पहले जीमेल को वेरीफाई करेगा, फिर वो दोबारा फ़ोन नंबर को करेगा। फ़ोन नंबर पाकिस्तानी है या US है, डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है, सिर्फ OTP अगर आ रहा है इट्स गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में जब हमारा ये साइनअप हो जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद और जीमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के बाद, देन वो हमें ऑप्शन देता है कि अब आप अपनी ना फ़ोटो आईडी मीन्स आइदर पासपोर्ट या CNIC जो भी है। ठीक है, लेकिन पासपोर्ट ज़्यादा आप कह लें ऑथेंटिक इस वजह से समझा जाता है कि उसके अंदर उर्दू के अंदर कुछ नहीं लिखा होता, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा होता, तो वो सबमिशन करवाना ईजी है, या आप कह लो कि ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है, आपने अपना पासपोर्ट देना है और आपने वो आपसे बैंक स्टेटमेंट पूछता है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन वो कहता है अपना बैंक स्टेटमेंट दें। ठीक है, अब बहुत सा मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमारे पैसे देखने के लिए कर रहा है। ठीक है, अमेजोन को कोई इशू नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट में आइधर 50 रुपये की भी ट्रांजेक्शन है, आपने अपने किसी दोस्त को भेजे हैं या लोड करवाया होगा लेट्स सपोज, वो उसको मानेगा। एक्चुअली बैंक स्टेटमेंट मांगने का मकसद क्या है, उसने फ़ोटो आईडी तो आपसे वेरीफाई कर ली, ऐसे ही है ना, उसे पता लग गया कि यार ये हमाद है या माज है या इमरान भाई हैं, ये माजी है, ये इमरान है या जो भी हैं, ये बंदा ओके है। ठीक है, वो आपको जो कंट्री है उसका इशू जो डॉक्यूमेंट है उससे हो गया। ठीक है, सेकेंडली उसने वेरीफाई करना है कि एड्रेस आपका क्या है। ठीक है, तो एड्रेस वो वेरीफाई करता है बैंक स्टेटमेंट से। तो बैंक स्टेटमेंट का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि उसने आपके कोई पैसे देखने हैं या आपके पास स्टेटमेंट नहीं है या हम कौन सा वीज़ा फाइल करेंगे, हमने स्टेटमेंट शो करवा के जाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप जब ये दोनों चीज़ें सबमिट करवाते हैं देन नेक्स्ट पे समटाइम्स होता है कि वो फ़ौरन कहता है कि आप अभी आके हमें वेरिफिकेशन करवा दो, और समटाइम्स होता है कि वो आपको टाइम दे देता है कि आपने इतने टाइम पे इतने डेज के बाद आके अपनी वीडियो वेरिफिकेशन करवा लेनी है। अब ये हम अभी क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल साइनअप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रोफेशनल का कोई लिंक नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, इट्स अ इंडिविजुअल साइनअप। ठीक है, अब इंडिविजुअल साइनअप हम लोग कर रहे हैं, तो इसके अंदर जब हम वीडियो कॉल में जाएंगे वो हमारे से क्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ ये पूछेगा, हम हेलो हाय करेंगे आपसे, आपकी जीमेल पूछता है समटाइम्स, आपका नेम, अदर देन दैट वो कहता है अपना पासपोर्ट दिखा दो। अब पासपोर्ट दिखाने में क्या कहता है, वो आपको बता साथ साथ गाइड कर रहा होता है कि आप पासपोर्ट ऐसे कैमरे के आगे कर दो, अब अपने फेस के बराबर रख लो, अब इसको ऐसे करके एक दफ़ा पेजेस को कर दो, मतलब एक दफ़ा कोई रैंडम पेज खोल के दिखा दो, अपने सिग्नेचर वाला पेज, उसने जस्ट आपको वेरीफाई करना होता है। ठीक है, ये होती है पहली वेरीफिकेशन अमेजोन अकाउंट साइनअप के लिए, और ये कौन सा हमारा अकाउंट चल रहा है, इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद अब ये वाले हम स्टेप पे आ गए, उसके बाद हमारे पास आया था एडिंग टेक्स्ट सेटिंग्स। ठीक है, और उसके बाद हम देन क्या होता है, हम LLC अटैच करते हैं। ये एक समरी थी कि हमारे प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, इंडिविजुअल साइनअप करना है, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट देनी है, पासपोर्ट को हमने वेरीफाई करना है, टेक्स्ट सेटिंग्स को ऐड करना है, और देन LLC अटैच होगी। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल साइनअप का पता लग गया सबको। ठीक है, इसको एक दफ़ा पढ़ें, ये वही स्टेप्स हैं जो अभी मैंने बताए हैं आप लोगों को, ऐड जीमेल एंड फ़ोन नंबर, वेरीफाई OTP। ठीक है, सेकंड फर्स्ट एंड लास्ट नेम एज पर पासपोर्ट, थर्ड एड्रेस एज पर फोटो आईडी, एंड यूटिलिटी बिल्स या बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है जो आप अमेजोन को देना चाह रहे हैं वो एक एड्रेस हो और वो सेम होना चाहिए। ठीक है, इधर आपका कोई बिल है, यूटिलिटी बिल है, उस पर भी वही होना चाहिए, कोई बैंक स्टेटमेंट है उस पर भी वही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक के ऊपर हाउस नंबर लिखा है एक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, या एक एड्रेस मेरे पुराने घर का है एक नए का है, तो वो आपको वेरीफाई नहीं कर सकता। ठीक है, पाकिस्तान का एड्रेस ही देना है, इंडिविजुअल पे हमने पाकिस्तान का ही देना है क्योंकि हम पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो कॉल वेरीफिकेशन, यही जो मैंने अभी पासपोर्ट वाली बताई है, और वो आपको इसके बाद ईमेल आई थी कि within 2 to 5 days के अंदर अंदर हम लोग इसको वेरीफाई कर देंगे, लेकिन 2 days के अंदर हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अब एक और केस स्टडी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, वो ये है कि अगर इन केस पासपोर्ट वेरीफिकेशन नहीं होती, ठीक है, तो एक जीमेल के ऊपर हम लोग 3 दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं उसको। मैंने नई जीमेल बनाई है, मैं अमेजोन पे साइनअप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक दफ़ा पासपोर्ट वेरीफिकेशन की है, नहीं हुई, दूसरी दफ़ा की है, नहीं हुई, तीसरी दफ़ा की है, नहीं हुई। ठीक है, तो वो अब जीमेल क्या है मेरी, अमेजोन ख़त्म कर देगा। ठीक है, लेकिन क्या है, अभी हमने LLC अटैच नहीं थी की, तो उसमें इशू कोई नहीं है। हमारे साथ हुआ था, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था,
अब मेरी जान पे बनी हुई थी कि भाई लास्ट वेरिफिकेशन है, इसके बाद अमेज़न ने करनी नहीं है, मैंने कंपनी बनवाई है और मेरी LLC नहीं चल रही, ठीक है। तब मुझे ये भी नहीं था पता कि इंडिविजुअल साइनअप है, मुझे था मेरी LLC बंद हो यानी है सारा कुछ है। वो मेरी एजेंट से बात हुई तो एजेंट ने मुझे गाइड किया, कहता कि उसके पास एक्सपीरियंस है कि उसने 11th 12th टाइम भी जाके वेरीफाई करवाया हुआ पासपोर्ट। फिर उसने मुझे समझाया कि कंपनी हमने नहीं अटैच की तो इसमें कोई इशू नहीं है, 3 दफ़ा आपका वेरीफाई नहीं ना हुआ पासपोर्ट कोई इशू नहीं है, उस जीमेल को ख़त्म करें, गूगल को अनइंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करें, नई जीमेल बनाएं, उसके ऊपर आप साइनअप करें, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं अगर आपको पासपोर्ट वेरीफाई नहीं कर रहा, लेकिन पहली दफ़ा में, अगर वो बाद में कहीं काम करने के बाद कर रहा है देन परेशानी वाली बात। उसके बाद अब हमारा सेलर सेंटर चल गया जो कि इंडिविजुअल है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे सेलर सेंटर जो लोग तो चला रहे हैं या जिन लोगों के पास जिनको हाउ नाउ है, उसके ना राइट कॉर्नर के अंदर एक सेटिंग्स का साइन बना होता है, ठीक है। हम उस पर क्लिक करते हैं, एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है, वहाँ पे नीचे ऑप्शन होता है ट्रैक सेटिंग्स का, ठीक है। हमने उस पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद अब सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आता है, वो कहता है आपका इंडिविजुअल है या बिजनेस अकाउंट है, ये पहला स्टेप जो 1 नंबर पर लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब उसमें हमने सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना है, बिजनेस, क्योंकि अब हम लोग अपनी टैक्स सेटिंग्स ऐड कर रहे हैं। इंडिविजुअल हमने बना लिया हुआ है, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो क्या चीज़ ऐड करनी है, बिजनेस, ठीक है। उसके बाद सेकंड वो हमें कहेगा कि आप रेजिडेंट कहाँ के हैं, US के हैं या नहीं है, ऑप्शन में होगा येस और नो। हमने अब क्या ऐड करना है, US के हम लोग रेजिडेंट हैं क्योंकि अब हम US की डिटेल्स ऐड करने वाले हैं जो हमारी LLC की है, ठीक है। हमने उसको येस कर देना है। थर्ड नंबर पर वो हमें पूछता है फेडरल टैक्स, इन फेडरल टैक्स की एक लाइन होती है कि आप फेडरल टैक्स के अंडर हैं, येस हम लोग हैं। नीचे ऑप्शन होता है कि आपके पास कौन कौन सा, आपकी LLC है या आपकी कोई जैसे ये होती है ट्रस्ट कंपनी है या कुछ भी ऐसा ना, तो वहाँ पे हमने LLC सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो पूछता है कि आपकी LLC की टाइप कौन सी है, ये बिलाल भाई आपका क्वेश्चन था आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना, तो हमारी LLC की टाइप जो हम अमेजोन के अकाउंट्स बनाते हैं इट्स अ ऑलवेज एस कॉर्प, वहाँ पे एक सी कॉर्प का ऑप्शन आ रहा होता है कि एस कॉर्प का आ रहा होता है, तो हमने वहाँ पे एस कॉर्प को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पे हमारे पास आया था एंटर LLC नेम एज़ पर आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब LLC का नेम ABC LLC है, वो छोटा है या कैपिटल है स्मॉल है जो भी है, हमें जल्दी जल्दी टाइप नहीं करना, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे देखना, PDF के फॉर्म में होता है वहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट कर लें ताकि कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, आपके बिजनेस के नेम में। तो सबसे पहले क्या गए, टैक्स सेटिंग्स में गए, सेकेंडली हमने US रेजिडेंट है वो सिलेक्ट किया, थर्ड फेडरल टैक्स ID में हमने LLC सेलेक्ट किया, फोर्थ हम लोगों ने LLC की टाइप सेलेक्ट की जो कि एस कॉर्प है, और फिफ्थ हमने LLC का नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको नेक्स्ट करते हैं तो तब हमारे से वो US का एड्रेस पूछता है। अब यहाँ पे हमने एड्रेस कौन सा देना है, US का कौन से वाला, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है। अब एजेंट का देना है कि अपना एड्रेस देना है, अपना एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसे नेक्स्ट करते हैं देन वो हमें कहता है कि आप ना EIN नंबर दो अपना, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि पूछा गया था। अब ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आ रही होगी कि LLC के डॉक्यूमेंट्स क्यों थे, कौन सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। EIN नंबर आ गया। अब EIN नंबर जब आपको एजेंट भेजता है ना, समटाइम्स उसको लिखा होता है 575.PDF, उसका नेम EIN का ये दिया होता है, EIN नहीं दिया होता, ठीक है। तो उसको आपने ओपन करके देख लेना, वहाँ से EIN नंबर कॉपी करना है और आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद वो पूछता है एड सिग्नेचर्स कि अब आप ना इसको साइन कर दें। अब साइन में हमने क्या करना है, साइन में हमने अपने पर्सनल नेम देना है, मेरा मोहम्मद माज नेम है ना, तो मैं मोहम्मद माज दूंगा, M कैपिटल U छोटा, जैसे मेरे डिटेल्स के ऊपर है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या EIN के ऊपर जहाँ पे भी है एग्जैक्टली सेम वो वाला, ठीक है। वो हमने टाइप कर देना क्योंकि हम सिग्नेचर वैसे तो कर नहीं सकते, हमने वहाँ पे सिंपल टाइप कर देना। उसके बाद जब हम उसे नेक्स्ट करते हैं ना, तो वो हमें एक ऑप्शन दे रहा होता है कि सबमिट अ W9 फॉर्म, ठीक है। वो आपको कहता है कि ये भी हमने सारी डिटेल्स दी हैं, ये एक पेज के ऊपर सारा कुछ आया था, एक फॉर्म के ऊपर फिल हुआ आया था, ठीक है। अब ये जो सारी डिटेल्स फ्रॉम पॉइंट 1 to 8 पॉइंट तक हम लोग कर रहे थे ना, ये एक W9 फॉर्म है जो हम फिल आउट कर रहे थे सेलर सेंटर के ऊपर, एंड वे हमें प्रीव्यू देगा, कह रहा है अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो उसको दोबारा रीचेक करें क्योंकि अब हम लोग LLC अटैच करने वाले हैं, और अगर आपको इशू होता है तो देन हमारे लिए मसला होगा। उसको सुकून से देखें, बार बार एक दो दफ़ा पढ़ें, कोई एड्रेस की मिस्टेक, कोई नेम की, कोई डॉट, कोई इस तरह कुछ भी, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद जब हम फिनिश करते हैं तो देन हमारे पास क्या होता है, हमारा प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था कि एक LLC से स्टार्ट हो के, कि अगर हम LLC बनवाई है वो हमने किस लिए बनवाई है, उसके डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या मकसद है, वो हमारे अमेज़ॉन पे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल साइनअप हो के है, या रिपीट कर दूँ एक दफ़ा,
किसी को? ओके ठीक है। अच्छा अब उसके बाद हमारा अमेजोन का अकाउंट भी अब साइनअप हो चुका है, प्रोफेशनल साइनअप हो चुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या क्या हैं? सबसे पहले हमारा जो आईपी एड्रेस है वो सिक्योर होना चाहिए। सेलर सेंटर हमेशा हमेशा अपने पर्सनल मोबाइल डाटा पे चला लें, एक साथ डिवाइस रख लें, उसके ऊपर साइनअप करें। पेरेंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, चाइल्ड एसेस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेरेंट अकाउंट हमेशा अपने इंडिविजुअल आईपी पे चलाना है, आइदर आपका मोबाइल डाटा है या आपने कोई डिवाइस रखी हुई है या आपके घर का वाईफाई, लेट्स सपोज उसके ऊपर कोई और बंदा अमेजोन नहीं चलाता तो आप उस पर चला सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ का गौर रखना है। उसकी अब रीज़न क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बैठा ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ इस नेट के ऊपर, ठीक है, आप सारों के लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं, तो अगर आप वहाँ पे पेरेंट सेस चलाते हैं तो मेरे आईपी के साथ आप लोगों का आईपी भी सेम आ रहा है अमेजोन को, ठीक है। तो अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो वो आपको भी उसी क्राइटेरिया में कंसिडर करता है और आपको डीएक्टिवेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अमेजोन से ना। तो इस वजह से हमेशा अपना सेलर सेंटर इंडिविजुअल आईपी पे चलाना है। सेकेंडली चाइल्डलेस एस, अब हम लोग चाइल्डलेस एस वीए हायर करते हैं यूजुअली ना, कि मैंने खुद नहीं काम करना है, मैंने वीए से करवाना है, मैं वीए हायर कर लेता हूँ। तो वीए की हम लोग कहते हैं आप जीमेल दो, वो हमें जीमेल देता है, हम उसको चाइल्डलेस एस दे देते हैं, ठीक है। तो इस बात पर आपने गौर करना है कि जो वीए है ना उसकी जो जीमेल है उसके ऊपर पहले कोई अकाउंट बंद ना हुआ हो अमेजोन के ऊपर, या वो कभी ड्रॉप शिपिंग ना कर रहा हो या ऑनलाइन आर्बिट्राज लेट्स सपोज वो ना कर रहा हो। उसकी रीज़न क्या, आप वीए से कहो आप नई जीमेल बना लो, मुझे वो वाली दो, या अपनी एक नई जीमेल बना के, नई जीमेल और पासवर्ड बना के आप वीए को उसका दे दो लॉगिन्स, वो अपने लैपटॉप पे लॉगिन कर ले, ठीक है ना। अब आपको पता है कि आपकी जीमेल पहले नहीं यूज़ हुई है, बिल्कुल नहीं हुआ है, और आपने वो वीए को दे दी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या इशू है, एक वेरिफिकेशन थी वो मैं करवा रहा था, तो वहाँ पे इशू ये आया कि दो वीएस थे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब जो एक वीए था ना उसका ऑलरेडी एक अमेजोन का सेलर सेंटर बंद हुआ हुआ था C3 लग के, ठीक है। जब वो इंटरव्यू में आए उन्होंने दूसरे का नहीं पूछा, उस वाले का पूछा कि भाई ये जो बंदा है ना, ये जो जीमेल है ये बताओ कौन है। उन्हें कहा भाई जन अकाउंट मैनेजर है। अब वहाँ से फिर पॉइंट आउट हुआ ये चीज़ कि उनके डाटा के अंदर सारा कुछ है, अगर वो हमारे से इंटरव्यू करने बैठे हुए ना तो उन्हें पता है कौन सा जीमेल है, कौन सा इनका चाइल्डलेस एस है, कौन यूज़ कर रहा है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है। अगर मेरा अकाउंट बंद हुआ है ना तो आप मुझे अगर चाइल्डलेस एस देंगे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने इस बंदे को क्यों चाइल्डलेस एस दी हुई है, ठीक है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, नई जीमेल नया नंबर खुद दे दो उन्हें लॉगिन्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप ओटीपी और गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते हैं, जब भी हमने अमेजोन पर साइनअप करना है उसने हमारा जो हमने नंबर उसे दिया हुआ ना उसके ऊपर ओटीपी भेजना ही भेजना है, जो हमने उसे स्टार्ट में नंबर दिया था, ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि एक केस स्टडी है, उसमें क्या हुआ कि जो ओटीपी के लिए नंबर दिया गया था ना वो बाइक से बाय करके दिया गया था, साल कंप्लीट हो गया, बाइक का नंबर नहीं रीन्यू करवाया गया। अब वो जब बाद में याद आया, अब बाइक के जो नंबर होते हैं ना वो जनरेटेड होते हैं, ठीक है। अब जनरेटेड नंबर था, उस वजह से बाद में क्या हुआ, जब हम उसको साइन इन कर रहे थे वो ओटीपी भेज रहा था बाइक के नंबर पे। अब वो बाइक का तो नंबर ही नहीं है, बाइक वालों से बात की, सारा कुछ हुआ, खैर वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला उस अकाउंट का। मतलब देखो कि LLC ओके है, इंडिविजुअल अकाउंट साइनअप है, प्रोफेशनल अकाउंट साइनअप है, साल हो गया चलते हुए को, तो इशू कहाँ पे आया, एक छोटे से ओटीपी पे, ठीक है। उसके लिए आइदर तो आपके पास नंबर वो जो फिजिकल आपके पास सेम है, लेट्स सपोज मेरा यूफोन का नंबर है उसके ऊपर मेरे पास सेम है, वही मेरा अकाउंट के ऊपर है, अगर मेरी सिम बंद भी हुई थी मैं दोबारा निकलवा सकता हूँ, उस पर ओटीपी आएगा, आएगा ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नंबर हमेशा वो हो जो आपके असेस के अंदर हो, या अगर आपने वैसा कोई नंबर दिया भी हुआ है तो फॉर श्योर उसको एक्सपायर होने से पहले रीन्यू करवा लें, क्योंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं और बाद में इशू आता है, ठीक है। सॉरी मिस्टेक है, फर्स्ट डमी लिस्टिंग लिखना था, वो समी लिस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। रात नींद भी आ रही थी थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा अब फर्स्ट डमी लिस्टिंग जो है ना वो हमने कहाँ पे बनानी है, डमी लिस्टिंग बनाने से पहले थोड़ी सी कोशिश करें कि आपके पास उसकी इनवॉइस हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम डमी लिस्टिंग बनाते हैं और डिफरेंट केसेस हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन में चला भी जाता है नहीं भी जाता, लेकिन अगर वो चला जाता है तो देन वो हमें पूछेंगे कि भाईजान आपने ये लिस्टिंग की थी, इसकी इनवॉइस आप कहाँ से बाय कर रहे हो। और यूजली हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है, हमने डमी लिस्टिंग चेक करने के लिए कि यार ये एसएन क्या है, कितना प्रॉफिट है नहीं है, या वैसे प्रैक्टिस करने के लिए एक दस शिपमेंट प्लान बना के देखते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हमारा रिस्ट्रिक्शन में चल जाता है, अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर इशू कहाँ पे आता है, इशू यहाँ पे आता है, हमें ये भी नहीं पता होता कि पड़ी किसके पास हुई है प्रोडक्ट, क्योंकि हमने तो अभी खाली कीपा से निकाली थी, हमने उसको सोर्स भी नहीं था किया, ठीक है।
तो ये इशू है थोड़ा सा, इस पर भी आप लोगों ने गौर करना है। अब प्रिकॉशन में क्या है, एक तो आईपी एड्रेस आप लोगों ने, ठीक है, दूसरी चाइल्डलेसनेस किस बंदे को देनी है या अपने आप को भी देनी है तो वो किस तरह से देनी है, या किसी और बंदे को देनी है आप अपनी जीमेल बना के दे सकते हो। उसके बाद अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर या ओटीपी लगाया हुआ है तो उसका क्या ध्यान रखना है, ओटीपी का मैंने बता दिया, गूगल ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर जो लोग थोड़े पुराने यूज़ कर रहे हैं ना उन्हें पता होगा कि उसके अंदर ना सबसे पहले हमारे जीमेल अटैच नहीं था होता, ठीक है। अब वो होता क्या था, अगर हम एक फ़ोन चेंज करते थे और दूसरे फ़ोन में हम लोग चले जाते थे तो हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर हमारे जीमेल अकाउंट के साथ नहीं आता था, ठीक है, और वो हमारे जो ओटीपीज थे, क्योंकि अब उसने तो ओटीपी कहाँ भेजना है, उसने कहना गूगल ऑथेंटिकेटर आपने लगाया हुआ है वहाँ पर जो ओटीपी आ रहा है वो टाइप कर दो, ठीक है, तो वो भी इशू आता है। अब क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर अपडेट हो गया, वहाँ पर आपकी जीमेल अटैच है, तो एक जीमेल वो अटैच लाजमी रखें जिसमें आपको पता हो कि मेरे सारे जो गूगल ऑथेंटिकेटर के हमारे पास कोड्स या ओटीपीज आने हैं वो मेरे पास सिक्योर हैं। एक जीमेल है वो आप लैपटॉप पे लॉगिन कर लें या कहीं पे भी कर लें ताकि आप उसको साइन इन रखें कहीं ना कहीं ना, ताकि वो बाद में आप सिंक्रोनाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद अब अमेज़ॉन का अकाउंट चल गया, सारा कुछ हो गया, टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशंस किस किस तरह की आती हैं और क्या क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहली तो थी पासपोर्ट वेरिफिकेशन, ये वो थी जो इंडिविजुअल साइनअप के टाइम पे आती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई रिपीट करेगा उसमें, एनीवन? अवैस, हाँ पहले वाली जो इंडिविजुअल साइनअप करते हैं तब वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, उमर से क्या मांगता है? हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया, हमने जीमेल भी दे दिया, हमने फ़ोन नंबर भी दे दिया, ओटीपी आ गया, ठीक है, देन हमने दिया अपना पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट दे दिया, ऐसे ही है ना। उसके बाद वो हमें कहता है वेरीफाई करें। अब वो वेरिफिकेशन के अंदर हम लोग वीडियो वेरिफिकेशन में बैठ जाते हैं, तो उसमें हम क्या चीज़ चेक करवाते हैं, ठीक है, अच्छा, और ठीक है, अच्छा। अब वैसे इसके अंदर वो खाली पासपोर्ट हमारा चेक करते हैं या हमारे से हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछते हैं, जैसे मैं आपके साथ इंटरव्यू में आया हूँ ना, मैं आपको हेलो है करूँगा, कैन यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, आपने कहना है कि मोहम्मद अवैस या जो भी आपका कंप्लीट नेम आपने वो बताना है, उसने कहना आपके पास फोटो आईडी है, हमने कहना हाँ जी हमारे पास है, उसने कहना दिखाओ, हमने ऐसे दिखा देनी है, ठीक है। बाद में उसने कहना इसका फर्स्ट पेज दिखाओ, सिग्नेचर पेज दिखाओ, इसे रोल करके दिखाओ, अपने मुँह के बराबर ऐसे प्लेस करके दिखाओ, तो इट्स जस्ट अ पासपोर्ट वेरीफिकेशन, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल, पहली वेरीफिकेशन कौन सी थी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट के लिए थी, कौन सी थी, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, उसमें क्या चेक करता है, पासपोर्ट चेक करता है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गई बिजनेस वेरिफिकेशन जो कि पहली लिस्टिंग के बाद होती है, ठीक है। अच्छा अब पहली लिस्टिंग के बाद, एक्चुअली पहले ना जब हम पहली लिस्टिंग करते थे ना, कोई आप 7 to 8 months पुरानी बात अगर कर लें, तो हमारे पास सिंपल एक डीएक्टिवेशन का नोटिस आता था सेलर सेंटर पे और साथ में ऑप्शन आता था सबमिट डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमने अकाउंट बनाते हुए सबमिट किए होते थे ना, जिसमें हमारा पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट होती थी, हम वही दोबारा अपलोड करते थे और वो विद इन 1 day 2 day हमारा अकाउंट दोबारा से एक्टिव हो जाता था, ठीक है। लेकिन ड्यू टू ड्रॉप शिपर्स और जो लोग सम मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ अमेज़न के ऊपर कर रहे हैं या फ्रॉड कर रहे हैं, ड्रॉप शिपर्स हैं, ऑर्डर्स नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने फिर ये बिज़नेस वेरिफिकेशन रखी जिसमें अब वो सारा कुछ वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे पहले वो आपकी क्या चीज़ वेरीफाई करेंगे, वो आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी में आपके पास क्या पूछेंगे, पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब पासपोर्ट से आप वेरीफाई हो गए कि कौन सा बंदा है, और बैंक स्टेटमेंट से क्या वेरीफाई हो गया, आपका एड्रेस वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे वो लोग क्या पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपकी कंपनी की डिटेल्स, ठीक है। अब कंपनी की डिटेल्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद EIN नंबर क्योंकि हमने वो सेलर सेंटर पे दिया हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस जो हमने दिया हुआ है वो उन्होंने मैच करना है, जस्ट कि आपके पास आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेम है, ओके है, ठीक है, फाइन। पहली चीज़ क्या थी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नंबर पर क्या थी, बिजनेस आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर हमारे से क्या पूछते हैं, अब यहाँ पर आके वो हमारे से पूछते हैं हमारा चार्ज मैथड और डिपॉजिट मैथड, ठीक है।
जब हम सेलर सेंटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो एक होता है हमारा चार्ज मेथड, जिससे हम लोग पैसे ऐडअप कर रहे होते हैं अमेजोन अकाउंट के अंदर, ठीक है। एक होता है डिपॉजिट मेथड, जिससे हम लोगों को पैसे आफ्टर सेल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब जो चार्ज मेथड है, चार्ज मेथड डिपॉजिट मेथड सेम भी हो सकते हैं, ये अब आपकी इंडिविजुअल अपनी अपनी मर्जी है आप किस तरह से करते हैं। लेकिन बात यह है कि चार्ज मेथड के ऊपर जो एड्रेस है वो हमारा, क्यों चूँकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा पाकिस्तानी एड्रेस होगा। अब वो जो एड्रेस है ना, वो एग्जैक्टली सेम कौन सा होना चाहिए जो हमने फर्स्ट टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जो लोग तो अमेज़न का अकाउंट बना चुके हैं, उन्हें पता है कि एड्रेस कितना ज़रूरी है, बैंक में जाकर एड्रेस चेंज करवाना मुश्किल है, तो स्टार्टिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखें। अदर देन दैट, एक अदर यूटिलिटी बिल भी आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर वही सेम एड्रेस हो, और यूटिलिटी बिल जो है वो आपके नाम का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज मेथड हो गया। चार्ज मेथड के अंदर ये हम तीसरी बात कर रहे हैं, सही है ना। पहला फ़ोटो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, सेकंड बिजनेस, थर्ड वन में हमारे बैंक्स आ गए, ठीक है। बैंक के अंदर चार्ज मेथड में हमारे, उन्हें एक चार्ज मेथड की स्टेटमेंट चाहिए होती है और एक हमारा एटीएम कार्ड, ठीक है। अब एटीएम कार्ड जो उन्हें चाहिए होता है, इसमें अब रिसेंट एक अपडेट है, ये दो या तीन बंदों ने डिस्कशन भी की है मेरे साथ और मुझे सुनने में भी आया है कि पहले होता था वो डेबिट कार्ड अप्रूव कर देता था अमेज़ॉन, लेकिन अब वो क्रेडिट कार्ड पर भी आ गया है कि चार्ज मेथड में आपने क्रेडिट कार्ड लगाना है। जब तक आप क्रेडिट कार्ड नहीं लगाओगे तो आपके चार्ज मेथड अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो पहले डेबिट कार्ड लगा के ट्राई कर लें, अगर नहीं चलता देन उसे क्रेडिट कार्ड लगा दें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारा डिपॉजिट मेथड है। डिपॉजिट मेथड में हमारे पास कौन से बैंक्स हो सकते हैं, आइदर पेनियर है, वाइज है, उसके अलावा और भी बैंक्स हैं लेकिन फेमस यही हैं, ठीक है। वो वाला बैंक हाइपर वॉलेट हो सकता है, अमेजोन पे का भी हो सकता है, ठीक है। और भी बैंक्स हैं लेकिन मैं यूजुअली जो हमें एजेंट प्रोवाइड करते हैं वो आइदर पेनियर होता है या वाइज होता है, ठीक है। अब उसमें भी हमारे पास उसकी बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और साथ में हमारा उसका भी कार्ड नंबर, ठीक है। अब उसका फिजिकल कार्ड तो हमारे पास आता नहीं है, तो जो वाइज जब हम चला के देखेंगे कार्ड्स में जाएंगे वहाँ पे हमें वर्चुअल कार्ड होता है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि उन्होंने हमारे पास वेरिफिकेशन में सिर्फ लास्ट फोर डिजिट्स पूछने होते हैं दोनों कार्ड्स के, दोनों बैंक स्टेटमेंट्स पूछनी होती हैं, या आइदर समटाइम वो पूछ लेते हैं कि आपने लास्ट ट्रांजेक्शन कब की थी, चार्ज मेथड से कब की थी और डिपॉजिट मेथड से कब की थी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड वन बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, थर्ड वन बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हमारे जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं किधर आ रहे हैं किधर जा रहे हैं वो वाला, ठीक है। और फोर्थ वन पे आ जाता है हमारा बिजनेस का ट्रैकिंग, कि हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। उसमें अब वो उस पर पूछते हैं कि आपने लिस्टिंग की थी या आपने फलान लिस्टिंग कभी की थी, तो उसके अंदर वो आपने सामान कहाँ से लिया था, आपके पास उसकी इनवॉइस है। अब अगर तो हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग नहीं की, ऑनलाइन आर्बिट्राज के थ्रू नहीं ख़रीदा हुआ, हम लोगों ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदा, तो लाजमी बात है हमारे पास उसकी इनवॉइस होगी ना। और कोशिश करनी है कि जैसे जैसे आप लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं उसकी जो इनवॉइसेस आ रही है गूगल ड्राइव में बना लें, आइदर डेट वाइज या डिस्ट्रीब्यूटर वाइज, वो आप पे आपने उसको कैसे सेव करना है, उन इनवॉइसेस को सेव रखें, ठीक है। क्योंकि वो साल पुरानी इनवॉइस भी पूछ रहा है आजकल, अब आई डोंट नो कि वो साल बाद क्या करता है अमेज़ॉन या अभी, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग सारे नए हैं, हमारा नया है, तो हमारे पास इनवॉइस एक आधी होगी जो हमने लिस्ट की है, उसके अलावा कोई भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने उन इनवॉइसेस का रखना है। उसके अलावा वो आपसे पूछता है कि आपने कौन से मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें हमेशा हमेशा यही कहना है कि हम लोग होलसेल FBA मॉडल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो शिपमेंट है वो डायरेक्टली अमेज़ॉन जा रही है। उसकी रीज़न क्या है, अब एक केस है उसके अंदर हुआ ये, उन्होंने पूछा आपने कौन सा काम करना है, कहता होलसेल करना है, उन्होंने कहा वेरी गुड, आपने सामान कम होना है, कहता आपने वेयरहाउस भेजना है, उन्होंने कहा वेयरहाउस की डिटेल्स दो। अब वो क्वेश्चन हमने खुद एडअप करवा लिया ना, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन से बचना है, क्योंकि जितने हमारे क्वेश्चन एडअप होंगे उतने हमारे डॉक्यूमेंट्स एडअप होंगे, जब डॉक्यूमेंट्स एडअप होंगे तो हम कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हर एक चीज़ के ना, ठीक है। अब वेयरहाउस ना बताने की रीज़न, उसकी रीज़न क्या है, बिलाल भाई हैं US में काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इमरान भाई कर रहे हैं या और XYZ सारे कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वही वेयर हाउस वो भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे से वेयर हाउस का एड्रेस पूछेंगे, मैं कहूँगा ये वाला, उनसे पूछेंगे वो कहेंगे ये वाला, वो किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे वो कहेंगे ये वाला, ठीक है। तो वो फिर आपस में उन्हें लगता है कि ये कुछ ना कोई खिचड़ी पकी हुई है और ये सारे इस तरह का काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने बेशक हम FBM करवा भी रहे हैं, लेबलिंग बाहर से करवा रहे हैं, लेकिन उनको हमने क्या कहना है कि हम लोग होलसेल FBA कर रहे हैं, और डायरेक्टली हम कहाँ सामान भेज रहे हैं, अमेज़ॉन भेज रहे हैं, हम शिपिंग और लेबलिंग कहाँ से करवा रहे हैं, अमेज़ॉन से ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एक वेरिफिकेशन। अब इसकी डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो थोड़ी लंबी लिस्ट है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास अब आपको पता है डॉक्यूमेंट्स आ गए, LLC के चार डॉक्यूमेंट्स आ गए, चार बैंक स्टेटमेंट्स आ गई, दो हमारी फ़ोटो
आईडी जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो दो आ गए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एसिन, हमने कौन सा लिस्ट किया था, उसकी इनवॉइस कहाँ थी, हम लोग उसे कहाँ से कर रहे थे, या अगर ईमेल में है तो ईमेल कौन सी थी डिस्ट्रीब्यूटर की, वो हमारे फिर बिज़नेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा ये वाली वेरिफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वेल प्रिपेयर्ड होना, ठीक है। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं आप इसे गो थ्रू कर जाएंगे, अगर आप नहीं हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या है कि आप मेरे से क्वेश्चन करते हो कि ये डॉक्यूमेंट, अगर मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं वहाँ पर टाइम लगा रहा हूँ, टाइम लें, उन्हें कहेंगे हाँ मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको पता होगा तो फिर है ना, वरना 14-15 पेजेस आपके पास हैं वैसे ऐसे करके उसके सामने ढूंढ रहे हो, और वो फिर होता है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा कंसर्न इस टाइम ये है, उन्हें मेन कंसर्न ये है कि जो बंदा अकाउंट बना रहा है वो खुद उसको चला रहा है या नहीं चला रहा, सिर्फ उन्हें ये कंसर्न है। क्योंकि पाकिस्तानी क्या करते हैं, एक बंदा है ड्रॉप शिपिंग करता है, उसके पास 6 अमेज़न के अकाउंट हैं, सेलर सेंटर हैं। अब 6 सेलर सेंटर कहाँ से आए, लाजमी बात है कि इनका एक इनका एक इनका एक इनका, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है, सिर्फ उन्हें क्या यार आपको परसेंटेज दे दूंगा, या भाई था बड़ा भाई यार अकाउंट बनवाना मैंने काम करना है, ये चीज़ है। अब उनका मेन कंसर्न क्या है कि जो बंदा काम कर रहा है वही बंदा काम कर रहा हो और उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो। इन केस आप लोगों को इंटरव्यू देने में कोई मसला है, आप लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा डर लगता है, या आप नहीं बोल सकते सारा कुछ, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आप लोग खुद ही इंटरव्यू दें, लेकिन अगर आप लोग नहीं दे सकते, ठीक है, तो आपने जो ट्रांसलेटर बिठाना है ना, वो इस तरह का बिठाना है कि वो आपसे क्वेश्चन करें, आप आगे उर्दू में क्वेश्चन वो आपसे करें, आप उसे उर्दू में आंसर करो, देन वो उसको ट्रांसलेट करके वापस रिस्पॉन्स दें, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग इस तरह नहीं करते, मैं एज अ ट्रांसलेटर बैठा हूँ और मुझे अमेज़न का सारा पता है, मुझे पता है उसके कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे पड़े हैं, वो मेरे से पूछेगा, मैं हाँ जी ये बैठा हुआ बस वो साथ में ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है, और मैं निकाल के ये वाला ये वाला ये वाला है। तो और एक दफ़ा हुआ है केस के अंदर, उसने आगे से कहा, कहता कि अकाउंट आपने चलाना है या इसने चलाना है, अकाउंट किसका है, उसे कहा जी इसका, ठीक है। वो कहता फिर वो तो कुछ बोल नहीं रहा, आप सारा कुछ कर ही जा रहे हो, और उसने वेरीफाई नहीं किया वो अकाउंट को, ठीक है। अब मकसद बात करने का ये कि एक मीटिंग की बेसिस पे हमारी LLC के पैसे आया, हमारी वेटिंग के टाइम्स आया, हमारी मेहनत आया थोड़ी सी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा एक थर्ड वेरिफिकेशन है सब वेरिफिकेशन, ये सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब हम अपनी कोई डिटेल्स को चेंज करते हैं, आइदर मैं अपना चार्ज मेथड चेंज कर रहा हूँ या मैं अपना डिपॉजिट मेथड चेंज कर रहा हूँ। अब ये वो हैं जो हमने साइनअप के बाद कभी चेंज नहीं किए हुए, बहुत रेयर है, या अपना मैं फ़ोन नंबर चेंज कर रहा हूँ, देन वो दोबारा अकाउंट डीएक्टिवेट होगा और वो हमसे सिंपली क्या कहेंगे, कहेंगे कि आप अपना पासपोर्ट और अपनी बैंक स्टेटमेंट दे दो और आपको हम वेरीफाई कर देते हैं। ये इट टेक्स अप टू 3 to 5 days, उसके अंदर वो आपको दोबारा वेरीफाई कर देता है, ठीक है। और सेकंड वाला जो था अभी, इससे जो मैं पहले बता रहा था ये वाली वेरीफिकेशन, उसके अंदर वो जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करता है वो आपको मीटिंग के अंदर बता देता है, आपने उसकी PDF फॉर्म भी भेजनी होती है, मतलब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इन फिज़िकल फॉर्म और इन PDF फॉर्म प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड, जी 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 पाकिस्तानी एड्रेस आपने रिप्लेस करना है, कोशिश करेंगे शुरू में ना करें, चलता रहने दो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। देखें ना आपके बैंक अकाउंट के ऊपर कौन सा एड्रेस है, आपने सिटी का एड्रेस दिया था, ठीक है, आप लेट्स सपोज गांव में शिफ्ट हो गई, ठीक है, और आपके बैंक पे अब कौन सा एड्रेस है, सिटी का ना, तो सिटी का चलता रहने दें, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट है ना वो, जहाँ आपसे एड्रेस वेरिफिकेशन पूछेगा आपने बैंक डॉक्यूमेंट दे देना, और बैंक डॉक्यूमेंट आपका सेम एड्रेस है जो आपने पहले दिया हुआ है। नहीं, मैंने अभी यहाँ पे पिछले स्टेप में बताया था कि हम लोग ये देखिएगा एक सेकेंड, जब उसने कहा था कि आप लोग US रेजिडेंट हैं, हमने यस किया था ना, ठीक है, वहाँ पे हमने जी 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 उस पर आप कोशिश करेंगे हर जगह एक ही एड्रेस रखें, क्योंकि उसमें फिर बाद में ना इशू कहीं नहीं आता। अगर दो दो एड्रेस हों, ठीक है, आपको एक एड्रेस वेरीफाई करेंगे कि दो दो करवाएंगे,
तो कोशिश ये लाजमी करेंगे आपका जो भी एड्रेस है जहाँ पे भी है वो सेम एक ही हो, आपका जीमेल एक हो हर जगह, इधर वो कंपनी बनते टाइम है, सेलर सेंटर है उसी जीमेल पे हो, ठीक है, सारा कुछ है। उसके अलावा आपका जो जीमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और पासपोर्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा इशू इस तरह से भी आता है समटाइम्स कि आपका पासपोर्ट है ना वो विद इन वेरीफिकेशन हमने अपडेट हो गया, एक्सपायर हो गया था पुराना, नया वाला आ गया, ठीक है। जब हमारा पुराना अकाउंट था तो वो पुराना पासपोर्ट था तो उसमें भी वो क्वेश्चन करते हैं कि यार इसकी एक्सपायरी डेट चेंज है, वो फिर उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि यार ऐसे नहीं है, हमने चेंज किया था, हमारा एक्सपायर हो गया था, पुराना वाला भी हमारे पास है, या पुराने वाले की स्कैन कॉपी है वो भी अटैच कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो कोशिश करेंगे एक ही चीज़ रखें जहाँ पे भी हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपका इंडिविजुअल, आपने प्रोफेशनल नहीं ना साइनअप किया हुआ, अच्छा, नहीं मैंने कहा अगर बैंक पे वही है ना तो आप उसको चलता रहने दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कोई वेरिफिकेशन के रिलेटेड या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन किसी का? जी जी बिल्कुल हो जाता है, हाँ जी, $40 हर मंथ कट रहे हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, सिंपल है। आप सेटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे एक डाउनग्रेड अकाउंट का ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करेंगे वो आपको डाउनग्रेड कर देगा इंडिविजुअल पे, ठीक है। इंडिविजुअल प्लान क्या होता है कि आपके 25 प्रोडक्ट्स हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, या आई थिंक 40 है, मुझे अब कन्फर्म नहीं है, 25 या 40 हम प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते, ठीक है। और इंडिविजुअल प्लान के अंदर क्या होता है, पर सेल्स आपको पैसे काटते हैं अमेज़ॉन से ना, इस तरह $40 नहीं कटते हर मंथ, ठीक है। तो अगर तो आप काम नहीं कर रहे, आप उसको इंडिविजुअल कर लें, आप उसको डाउनग्रेड कर लें, जब दोबारा काम स्टार्ट करना होगा उसको अपग्रेड कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपकी डिटेल्स वहीं पे होनी है, ठीक है ना। आप उसको दोबारा क्लिक करके अपग्रेड करेंगे, वो दोबारा आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछेगा, आपने वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने और आपका अपडेट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, अब इंटरव्यू वाला मैंने बता दिया, ठीक है, W9 फॉर्म का भी मैंने बता दिया है कि रीचेक उसको लाजमी करना है, गूगल ऑथेंटिकेटर OTP का भी बता दिया है कि इसका बैकअप भी रखना है, ठीक है, और सीकिंग समवन एल्स वाइल इंटरव्यू मैंने ये भी बता दिया किस तरीके से देना है। और उसके अलावा हाँ, एक लास्ट चीज़ रह गई है, अब क्योंकि आप लोग नहीं हैं, आप लोगों को नहीं पता, हमारे पास यहाँ पर माशाल्लाह 2-3 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी वेरिफिकेशन हुई नहीं है, मतलब अमेज़ॉन ने उनको कुछ भी नहीं कहा, अमेज़ॉन कहता ठीक है भाई चला रहे हो चलाई जाओ, तो इसमें एल्गोरिदम है उसका, किसी को वेरिफिकेशन आ जाती है नहीं भी आती, तो इसमें एज सच कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारी LLC सही बनी हुई है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, और हम ये जो सारी बातें अभी डिस्कस की गई हैं, IP हमारा सही है, हमारा जो चाइल्डलेस है वो सही है, तो हमें कोई इशू नहीं आएगा चाहे जितनी मर्ज़ी वेरिफिकेशन आ जाएँ, ठीक है, तो इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। तो अगर आ भी जाती है, कैंपस यहीं पर है, सारे यहीं पर, कोशिश करें कुछ करने से पहले डिस्कशन कर लें, बजाय आप लोग कुछ करके डिस्कशन करने आए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो इंटरव्यू में फ़ेल हो के बाद में आते हैं कि मैम ये हो गया, सर ये हो गया, माज भाई ये हो गया, ठीक है, तो वो फिर उस टाइम पे फिर हम लोग भी आप कह लें हेल्पलेस होते हैं कि अब क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब एक बच्चा था रिसेंट, वो आया, यहाँ पुराना स्टूडेंट था, आया और इंटरव्यू उसका था अराउंड आई थिंक 1:30 बजे, उसका इंटरव्यू था, 12 बजे कैंपस आ रहा है, मेरा इंटरव्यू है, मैं कहा डॉक्यूमेंट्स, कहता कौन से, मैंने कहा भाई ये भी सही है, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, ऊपर हमने प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट लेने के बाद मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अब मैं खुद एज अ ट्रांसलेटर बैठ गया, टाइम नहीं था, ठीक है, मैंने उसको ये कहा, मैं कहा मैं जो भी क्वेश्चन करूँ आपने उर्दू में बोलना, कुछ भी बोलना, बोलते रहना थोड़ा लंबा सा करके ना, ताकि उसे बाद में मैं तो अपने मुताबिक अगर मुझे इंग्लिश, अब मैं आपसे कहूँगा ऐसे है, आपको नहीं, आप कह के चुप हो जाओ, मुझे उसमें बाद में एलेबोरेट करना पड़ी है उस इंटरव्यूअर को जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो मैं उसको क्या आंसर करूँगा, वो मुझे कह सकता है कि भाई उसने तो नहीं कहा, आप पता नहीं क्या क्या कहानियाँ सुनाई जा रहे हो, ठीक है, नहीं नहीं वो इंडिविजुअली होते हैं, उन्होंने साथ को नहीं बिठाया होता, ठीक है। और एक चीज़ और, टाइम मैनेजमेंट, इंटरव्यू है, आप 10 मिनट पहले ऑनलाइन होकर बैठ जाओ, 15 मिनट पहले ऑनलाइन होकर बैठ जाओ, अच्छी चीज़ है, बजाय आप लेट हो जाओ, ठीक है। और इसके अलावा
इट्स ऑल डन। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का, कुछ भी LLC के रिलेटेड, अमेज़न अकाउंट के रिलेटेड, वेरिफिकेशंस के रिलेटेड।